आप सभी को मेरा प्यार भरा पैलाक और छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोवाल। तो गाइस, तो मैं चलती हूँ आप सभी को हैशटैग डोवाल ब्लॉग के वहाँ से, धो रही है बर्तन, इसके पास में गई बिल्लियाँ, इनको भी धो दो थोड़ा। तो अब मैं डांट खाऊंगी, क्या खाऊंगी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हो, मैं इतना डांट भी खाती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा पैलाक और छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोवाल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं अपना ब्लॉग कर रही हूँ अभी सुबह से स्टार्ट। अभी वैसे 10 ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत समय हो गया, क्योंकि सुबह से ही काम शुरू हो जाता है, अपने अपने कामों में लग जाते हैं लोग। 6 बजे लोग घास के लिए चले जाते हैं, 6:30 बजे घास के लिए चले जाते हैं, तो लगा लो कि अभी 10 बजे है तो सारा काम हो गया है। तो हमारे घर में वही है, नाई है, जो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, उसको मैंने अच्छी तरह से बताया था कि क्या होता है करके। कि आप लोग सोचते होंगे कि मतलब रोज़ रोज़ उनके घर में ऐसा क्या है करके ना, जब तक बच्चे घर में हैं तब तक घर वाले कह रहे हैं कि सारे जो भी मतलब जितने भी पूजा पाठ ये चीज़ें बची हैं तो कर लेते हैं करके। तो ये है मेरा पोतू, दिन भर रोने में रहते, आऊँ आऊँ, तो इनको भूख लगती है तभी लोते हैं ये बच्चे। मच्छर भी काफ़ी मात्रा में है यहाँ। आ क्या आजा आजा, उतर 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 गया वो। तो गाइस, तो मैं चलती हूँ आप सभी को हैशटैग डोवाल ब्लॉग के वहाँ से, धो रही है बर्तन, इसके पास में गई बिल्लियाँ, इनको भी धो दो थोड़ा। ए भागो भागो, आजा किट्टू कालू। अरे बच्चों उधर जाओ, उधर जाओ, घिस देना इनको थोड़ा थोड़ा। ये बिल्ली के बर्तन है और इनको अभी दूध और देना है, तो खाना देना है ना, तो 3 बर्तन तो वैसे मैंने खराब कर दिए। तो मैं धो के ला गई हूँ बर्तन, और देखो तू भी आजा आजा, तो सबसे बड़ी बात, पहाड़ों में चाहिए थी बारिश और जोरदार की बारिश आ गई है। दो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही है, और आज मतलब सुबह बारिश नहीं हुई है कि शाम तक बारिश आई जाएगी करके, पेड़ पौधों को खेती को राहत मिल रही है, और बीच में बहुत ज्यादा सूख गए थे खेत। और कहीं से जा रही है हमारे नल पे पानी भरने? जी हाँ, सही सुना आपने, मैं जा रही हूँ पानी भरने, और ये मेरा ये क्या है? तो देखिए आप, इसको आधा ही बनना था, इसमें बच्चा था बकरियों के लिए, तो ये ले चलते हैं अभी हम अपने बकरियों के पास। तो दगड़ियों देखो, ब्लॉग के साथ कितने ज़्यादा हम मिस्टेक भी कर देते हैं, और मुझे कहा था कि इतना इतना मट्ठा था इसमें, और मुझसे कहा था थोड़ा 2-3 गिलास पानी मिलाना, तो देख सकते हैं इसमें इतना इतना मैंने पानी भर दिया है। तो अब मैं डांट खाऊंगी, क्या खाऊंगी मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, फिर भी आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट नहीं करते हो, मैं इतना डांट भी खाती हूँ। और मैं इसको इसलिए पकड़ रही हूँ ना, क्योंकि हम पहाड़ी लोग ऐसे पकड़ते हैं, मैंने देखा है, बहुत देखा है मैंने वीडियो, मैं ना पहाड़ी संस्कृति के अनुसार पकड़ रही हूँ मैं इसको। वैसे तो मैं इसको ऐसे ले जाती, कैसे ले जाती दिखा दूँ, रियलिटी में मैं कैसे ले जाती ना इसको, ऐसे ले जाती, मैं ऐसे नहीं ले जाऊँगी, मुझे तो ऐसे ले जाना है, और मुझे बहुत शौक है मतलब बचपन से ही, लेकिन ये बहुत भारी हो गया आपकी वजह से। खाना खाने के लिए एक एक थाली पकड़ के, भैया क्या क्या लाए हो तुम? एक गिलास और एक, अच्छा चलो फिर चलो। तो हम लोग थोड़ा दूर जाना है आज, हम लोगों को बच्चे आगे आगे जा रहे हैं और हम पीछे पीछे, तो ये बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पहुँच गए हैं ये 3। तो जहाँ पूजा है वो मेरी बूढ़ी दादी है। तो देखो अभी तक मौसम काफ़ी ख़राब हुआ था, और अभी धूप आ गई है, धूप नहीं चाहिए थी इतनी गर्मी में, किसी धूप चाहिए होगी,
और हरियाली देखो हमारे यहाँ। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर में और अभी दिखाती हूँ आपको मंदिर पीछे का नज़ारा देखो। तो मैं आ रही हूँ घर को और ये लोग इतने गंदे हैं ना, मैंने कहा एक रील बनाने दो, इतनी अच्छी हरियाली है करके ये डब्बा पकड़ा दिया चल चल करके। बेचारी सोनू को रोका था एक रील बना देगी करके, इन लोगों ने ऐसा करा नहीं, चलो 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 करके वो घर चली गई और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। तो हम खाना खा के आए जैसे मंदिर में, उसके बाद हम अपना काम करा, बर्तन तन धोए, नहाया, ये वो जिसे जो करना था, फिर हम सो के बहुत ख़तरनाक वाली नींद आई, पूरे 2 घंटे नींद ली है। अभी 2 बज गए, अभी थोड़ा काम में भी जाना है, शायद बुराई करनी है, ब्लॉग ज़रूर आएगा उसका भी। अच्छा लगा आपको आज का ब्लॉग, बताना मत भूलना, और आज का ब्लॉग इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और मेरे ब्लॉग देखने में और ज़्यादा व्यस्त रहो। बाय।